आप एसएसपी ऑफिस आए? एक मसला नहीं है, कई मसले हैं जिन पर लेके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राज्यपाल जी और माननीय विधायक जी और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से पहले भी हमने बात करी थी और आज एसएसपी से मिलने उन समस्याओं को निराकरण के लिए और उन पर बात करने के लिए आए। अभी उदाहरण के तौर पर ये विकलांग हैं, एक समस्या को लेकर जो जेल में मौत हुई है इसी इशू पर भी हमने बात करी है। एक दो केस है फर्जी तरीके से खोला है किठौर में डकैती, उस पर भी बात करी है। और कई केस ऐसे हैं कि जो जिला प्रशासन उन पर खोलने में नाकामयाब है और लगता है कि जिला प्रशासन ने भी उनको माना है कि हाँ हमारी कमी और चूक है, क्योंकि इंस्पेक्टर परीक्षकगढ़ का बदला जाना उसी कड़ी में एक हमें लगता है कि उसी की वजह से कि वो उस लड़की को बरामद नहीं कर पाए जो हफ्तों से 15 दिन पहले अपहरण करके जिसको ले गए हैं। और भी कई समस्याएं हैं जो फर्जी तरीके से जिला प्रशासन कर रहा है और पुलिस जो है जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने के बजाय फर्जी मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज रही है और फर्जी तरीके से पुलिस और प्रशासन जो फर्जी तरीके से काम कर रहा है किसकी शह पर कर रहा है? एक्चुअल में जो हस्तक्षेप है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ के लोकल नेताओं का, विधायकों का और सांसदों का, वो हस्तक्षेप हमें लगता है कि सही बात करने पर और सही काम करने से इनको रोक रहे हैं और उनसे बचने के लिए फर्जी काम हो रहे हैं। जो उनके इशारे पे कोई विधायक जो बतला दे, जो विधायक अगर किसी चाहे इंस्पेक्टर कोई ठीक काम कर रहा है और विधायक उसके खिलाफ बात कर जाए तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, काम नहीं करने दे रहे। विधायक और सांसद के कहने से अगर प्रशासन दरोगा काम करें तो लगता है इन्हें काम हो रहा, नहीं तो लगता है कि काम ही नहीं हो रहा, इनको हटा दो, यही सब कुछ हो रहा। मंत्री जी, और उन सब समस्याओं को दबाने के लिए पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया, झूठे जेल भेज दिया, तो अब ये तो तय करना है उस पिछड़े और वंचित समाज को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है कि वो क्या कदम उठाए। तो मंत्री मेरा कहना ये कि सुनो, मेरा कहना चूड़ी उसे पहनाओ जो चूड़ी पहनते हो, विधायकों को क्यों चोर भाई? यहाँ तो कोई महिला विधायक भी नहीं है, अधिकारी कर्मचारी उन्हें पहनाओ।